नमस्कार, आप देख रहे हैं BKY न्यूज और मैं हूं आपके साथ राज। दरअसल आज हम राजेश खन्ना और जितेंद्र के बारे में आपको एक हिस्सा बताएंगे। दोस्तों, बॉलीवुड में कोई एक्टर बनने के लिए आए और वहां के स्थापित कलाकारों से उसे मदद मिली हो, ऐसे कम ही किस्से आपको सुनने को मिलते हैं। मगर अभिनेता जितेंद्र की जिंदगी से एक ऐसा ही दिलचस्प किस्सा जुड़ा हुआ है। जब वह बॉलीवुड में फिल्म तलाश रहे थे, तब काका यानी दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना उनके लिए मददगार बने और उन्होंने जितेंद्र के पहले स्क्रीन टेस्ट के लिए खास तैयारी करवाई। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। इससे पहले आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, बता दें कि पंजाब में जन्मे अभिनेता जितेंद्र का वास्तविक नाम यानी कि असली नाम रवि कपूर है। जितेंद्र कपूर ने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई मुंबई में राजेश खन्ना के साथ ही की। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी, यही वजह रही कि राजेश खन्ना ने जितेंद्र के पहले स्क्रीन टेस्ट में उनकी खूब मदद की। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजेश खन्ना ने स्क्रीन टेस्ट से पहले जितेंद्र को पूरे दिन अपने सामने बिठाकर डायलॉग रटवाए थे। दरअसल जितेंद्र की मुलाकात निर्देशक साताराम से हुई थी। उन्होंने फिल्म सहारा के सेट पर जितेंद्र को करीब से देखा था। उस समय जितेंद्र एक जूनियर आर्टिस्ट के रूप में काम कर रहे थे। निर्देशक यह देखकर हैरान रह गए थे कि एक पंजाबी लड़का शानदार मराठी बोल लेता है। इसके बाद वे साताराम ने जितेंद्र को फिल्म गीत गाया पत्थरों ने में बतौर लीड एक्टर कास्ट कर लिया। हालांकि यह फिल्म साल 1964 में आई थी। दोस्तों, बता दें कि इस फिल्म में जितेंद्र की जोड़ी डायरेक्टर साताराम के बेटी राजश्री के साथ खूब जमी थी। हालांकि अभिनेता जितेंद्र ने एक टीवी रियलिटी शो के दौरान खुद राजेश खन्ना से जुड़ा हुआ यह किस्सा साझा किया था और राजेश खन्ना को याद करते हुए जितेंद्र ने कहा था कि काका ने इंडस्ट्री को अपना जो यादगार फिल्में दिए वो सराहनीय है। उन्होंने ड्रामेटिक चीजें काफी पसंद करते थे। कॉलेज में वह कई ड्रामा या प्ले में हिस्सा लेते थे। जब मैंने फिल्मों में कदम रखा और वो साताराम ने मुझे पहले स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया तो राजेश खन्ना ने मेरी उस समय काफी मदद की थी। हालांकि जय हिंदी कॉलेज की कैंट्री में पूरे दिन बिठाकर राजेश खन्ना ने मुझे डायलॉग रटवाए थे। उन्होंने ही मुझे बताया था कि स्क्रीन टेस्ट में क्या बोलना है और कैसे बोलना। दरअसल राजेश खन्ना की दी गई ट्रेंडिंग का ही कमाल था कि गीत गया पत्थरों में जितेंद्र को सेलेक्ट कर लिया गया। हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक सुपरस्टार है। राजकुमार, किशोर कुमार, दिलीप कुमार सहित कई ऐसे कलाकार हुए जिन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी। लेकिन बॉलीवुड में एक कलाकार ऐसा है जिसके जैसा स्टारडम शायद ही आज तक किसी स्टार ने पाया हो। 1965 में फिल्म फेयर और यूनाइटेड प्रोड्यूसर द्वारा किए गए एक टैलेंट हंट शो के जरिए इस स्टार ने सिनेमा इंडस्ट्री में कब्जा जमाकर लोगों को दिलों पर राज किया और इंडस्ट्री का पहला सुपर स्टार बनकर एक नई पहचान बनाई। दरअसल इस सुपर स्टार की एक झलक पाने के लिए लड़कियां बेताब रहती थी। सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़का भी इस एक्टर के दीवाने थे। उनकी नई नई फिल्मों का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया करते थे। दुनिया भर में उनकी गजब की फैन फॉलोइंग थी। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे सुपरस्टार जिनके घर प्रोड्यूसर की लाइन लगी रहती थी, वह ब्लैंक चेक एक्टर के पास छोड़ जाया करते थे।
कि मन मुताबिक रकम भर ले। अब तक तो आप शायद समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं जतिन खन्ना यानी कि राजेश खन्ना की। दरअसल जतिन खन्ना को राजेश खन्ना नाम उनके अंकल ने दिया और राजेश नाम से ही उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली। हालांकि आगे चलकर राजेश एक बड़े स्टार बने और उनका नाम घर घर में जानने लगा। दरअसल एक दौर तो वो भी आया जब लोगों ने अपने बच्चों के नाम भी एक्टर के नाम पर रखना शुरू कर दिया। दरअसल राजेश खन्ना ने 1966 में आई फिल्म आखिरी खत से अपना बॉलीवुड में डेब्यूट किया था, जो 1967 में भारत की आकर्ष में पहली अधिकारिता एंट्री फिल्म बनी थी। 1969 से 1971 तक उन्होंने रिकॉर्ड 15 हिट फिल्में दी। उनकी इस शानदार कामयाबी का दौर 1969 में आई फिल्म आराधना से शुरू हुआ था, जो 1971 में फिल्म हाथी मेरे साथी तक जारी रहा। दोस्तों, 3 दशक से ज़्यादा चले अपने करियर में राजेश खन्ना ने सिर्फ 22 मल्टी स्टार फिल्मों में काम किया, जबकि उनकी 16 हीरो फिल्में 100 से ज़्यादा थी। वो भारत के पहले और इकलौते एक्टर हैं जिन्होंने एक के बाद एक लगातार 15-16 हिट फिल्में दी थी। साल 1969 से 1971 में रिलीज हुई उनकी फिल्में सुपर हिट रही। उनके इस रिकॉर्ड को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। दरअसल राजेश खन्ना भारत के सबसे पहले स्टार में से एक रहे थे। दरअसल अपने करियर में उन्होंने लगभग 168 पिक्चर फिल्मों और 12 शॉर्ट फिल्मों में काम किया था। साल 1970 से लेकर 1987 तक वो बॉलीवुड के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर थे।